तो भाई ये है हमारा कंट्रोलर। अगर आपके पास एक प्लेट लगी हुई है, सोलर प्लेट एक लगी हुई है, तो आप 10 एम्पीयर का कंट्रोलर लेंगे। अगर दो प्लेट लगी हुई है तो 20 एम्पीयर का कंट्रोलर लेंगे। अगर तीन प्लेटें लगी हुई हैं तो 30 एम्पीयर का कंट्रोलर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़िटिंग कैसे होगी। सबसे पहले आपने जो आपका घर का लोड है उसकी तार यहाँ पर लगानी है, और जो बैटरी की तार है वो यहाँ पर लगानी है। प्लस माइनस, ये प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, और जो सोलर प्लेट की तार है वो प्लस माइनस यहाँ पर लगेगी। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, पहले सबसे पहले सोलर प्लेट की तार नहीं लगानी है, बैटरी की तार लगानी है। बैटरी की प्लस माइनस तार लगाकर इसको चालू करना है। और जो लोड वाली तार है वो अगर यहाँ लगाओ तो सही, अगर यहाँ ना लगाओ, बैटरी में डायरेक्ट लगा दो तो और भी बेहतर है। लोड की ये जो लोड की तार है डायरेक्ट बैटरी में लगा देना, बैटरी की दो तारें निकाल कर यहाँ लगा देना इन प्लस माइनस में, और जो सोलर प्लेट की वायर है वो प्लस माइनस यहाँ लगा देना। अगर आप सबसे पहले प्लेट की तार लगा दोगे तो ये डैमेज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। आप जैसे ही बैटरी की तारें लगाएंगे तो यहाँ पर बैटरी का करंट बताएगा कि बैटरी कितनी चार्ज है, और जब प्लेट आप लगा दोगे तो प्लेट का करंट यहाँ पर बता देगा कि प्लेट इसमें लग चुकी है, ये करंट यहाँ पर बता देगा। और जैसे ही आपकी बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक करंट को रोक देगा।